हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 के बारे में, साथ ही में बॉलीवुड के बादशाह यानी कि शाहरुख खान की फिल्म जवान के भी अब तक के टोटल 21 डेज के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और गदर 2 फिल्म के भी अब तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइगर 3 फिल्म के बारे में। तो दोस्तों, टाइगर 3 फिल्म का फाइनली आज ट्रेलर आउट कर दिया गया है, जिसके बाद से इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर काफी ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती है। तो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। टाइगर 3 YRF स्पाई यूनिवर्स की पांचवी फिल्म होने वाली है, जिसे मनीष शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसमें सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी और शाहरुख खान भी इस फिल्म में कैमियो अपीयरेंस में नजर आने वाले हैं। टाइगर 3 के टीजर में सलमान खान का स्वेगो, इसका बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर हो या फिर इसमें दिखाए गए कमाल के एक्शन सीन हो, सभी ने ऑडियंस का दिल जीत लिया है। अब इस फिल्म की लेकर लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। टाइगर 3 फिल्म को 300 करोड़ रुपए के बड़े बजट के साथ बनाया गया है, जिसे एक ग्रैंड लेवल पर शूट किया जा रहा है। तो दोस्तों, YRF स्पाई यूनिवर्स की अभी तक जितनी भी फिल्में आई है, चाहे वो एकता टाइगर हो, टाइगर जिंदा है, वार और पठान, सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। तो टाइगर 3 फिल्म YRF स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। साथ ही इस फिल्म में पठान से भी ग्रैंड लेवल के एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं और सलमान के साथ इस फिल्म में शाहरुख भी कैमियो अपीयरेंस में नजर आने वाले हैं। तो इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ना तो जाहिर सी बात है। तो दोस्तों, इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, आखिरकार ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर सकती है? जिस तरह से यहां पर फिल्म का टीजर निकल कर आए, अब से फिल्म की लेकर लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली और फिल्म इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज हो रही है, यानी कि 10 नवंबर के आसपास इस फिल्म को रिलीज किया जाने वाला है। तो दोस्तों, ये फिल्म अपने पहले दिन अगर कम से भी कम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी तो 60 से 70 करोड़ रुपए की ये फिल्म बड़े आराम से ओपनिंग लेने वाली है और ये फिल्म इससे ज्यादा भी कलेक्शन कर सकती है। हो सकता है ये फिल्म शाहरुख खान की फिल्म जवान का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 75 करोड़ रुपए का था, उसे भी बीट कर दे, लेकिन ये तो हमें फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चला। लेकिन अभी के लिए तो यह फिल्म अपने पहले दिन 60 से 70 करोड़ रुपए के बीच की ओपनिंग ले सकती है और इस फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है तो इसे देखने के लिए ऑडियंस तो काफी ज्यादा एक्साइटेड रहने वाली है। साथ ही SR के कैमियो अपीयरेंस में नजर आने वाले हैं तो पूरा सिनेमाघर स्टेडियम में तब्दील हो जाएगा। आपकी टाइगर 3 फिल्म को लेकर क्या प्रेडिक्शन है? यह फिल्म लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना करेगी? क्या ये फिल्म 1000 करोड़ कमाएगी, 1500 करोड़ या फिर 2000 करोड़? या आप में कमेंट में जरूर बताना। और आप सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो? कि अगर बात करें बॉलीवुड के बादशाह और बॉक्स ऑफिस के किंग यानी कि शाहरुख खान की फिल्म जवान के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों, जवान फिल्म को रिलीज हुए आज 21 डेज यानी कि 21 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और 21वें दिन भी फिल्म बॉक्स ऑफिस से जिस तरह का कलेक्शन करके दिखा दी है, उससे यह बात जाहिर हो चुकी है कि यह फिल्म वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 1100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का करने वाली है, क्योंकि फिल्म के कलेक्शन तीसरे हफ्ते में भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जहां पर यह फिल्म आज अपने 21वें दिन भी पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर आग लगा रही है, क्योंकि फिल्म के वीकडेज के कलेक्शन ही इतने ज्यादा शानदार निकल कर आ रहे हैं। पर कई सारी बॉलीवुड की फिल्में तो इतना कलेक्शन अपने पहले दिन भी नहीं कर पाती जितना यहां पर जवान फिल्म वीकडेज में कर रही है। तो दोस्तों, फिल्म का तीसरा हफ्ता स्टार्ट हो चुका है, फिल्म ने अपने पहले और दूसरे हफ्ते के अंदर तो बॉक्स ऑफिस से आउटस्टैंडिंग कलेक्शन किया। तो फिल्म के तीसरे हफ्ते के कलेक्शन में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि फिल्म का तीसरा हफ्ता है तो कमी आना जाहिर सी बात है। फिल्म को एटली कुमार ने डायरेक्ट किया था, जिसमें शाहरुख खान, नयनतारा और विजय सेतुपति देखने को मिले थे। तो दोस्तों, इस फिल्म ने आज जो बाहुबली 2 का हिंदी रिकॉर्ड है 510 करोड़ रुपए का, उसे भी बीट कर दिया है, क्योंकि फिल्म का 21 दिनों का हिंदी से नेट कलेक्शन ही 518 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है और आने वाले 4 से 5 दिनों में ये फिल्म गदर 2 और पठान का जो हिंदी नेट कलेक्शन है उसे भी बीट करने वाली है। तो ये पहली ऐसी बॉलीवुड फिल्म बनने वाली है जिसने हिंदी से नेट कलेक्शन सबसे ज्यादा किया होगा और ये फिल्म इंडिया से नेट कलेक्शन ही 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा करने वाली है। जवान से पहले आज तक कोई भी ऐसी फिल्म नहीं आई बॉलीवुड की जिसने इंडिया से नेट कलेक्शन 600 करोड़ रुपए का किया हो। तो यहां पर
जवान पहली बार 600 करोड़ रुपए का बॉलीवुड में इंडिया नेट कलेक्शन करने वाली है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों यहां पर जवान ने जितने भी रिकॉर्ड्स बनाए उन सबको तोड़ना तो इतनी आसान बात नहीं होने वाली है। फिल्म के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अपने पहले हफ्ते यानी कि टोटल 8 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 389.88 करोड़ रुपए का कर लिया था। वहीं फिल्म का सेकंड वीक का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 136.10 करोड़ रुपए रहा। तो टोटल फिल्म का दो हफ्तों का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 525 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रहा। वहीं दोस्तों इस फिल्म ने अपने 20वें दिन पर ऑल इंडिया से नेट कलेक्शन लगभग 5.14 करोड़ रुपए का कर लिया है। बात करें आज 21वें दिन के कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म आज अपने 21वें दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 5 करोड़ रुपए का कर रही है। तो इसी के साथ जवान फिल्म का टोटल 21 दिनों का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 576.32 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 693 करोड़ रुपए। बात करें ओवरसीज के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में भी पूरी तरह से धूम मचा रखी है, जहां पर इस फिल्म का ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 341 करोड़ रुपए हो चुका है। तो इसी के साथ शाहरुख खान की फिल्म जवान का अब तक का टोटल 21 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1034 करोड़ रुपए हो चुका है। तो दोस्तों अब सिर्फ और सिर्फ फिल्म को 16 करोड़ रुपए की कमाई और करनी होगी, जो कि यह फिल्म 2 से 3 दिनों में कर लेगी। और यह फिल्म पठान का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है 1050 करोड़ रुपए का, उसे भी क्रॉस करने वाली है। तो दोस्तों यहां पर जवान फिल्म डे बाय डे सभी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ती जा रही है। वैसे आपने एसआरके की फिल्म जवान देखी तो यह फिल्म आपको कैसी लगी और इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर आपकी क्या प्रेडिक्शन है, यह आप हमें कमेंट में जरूर बताना। लेकिन अगर बात करें बॉलीवुड के असली एक्शन सुपरस्टार सनी पाजी की फिल्म गदर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों गदर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 524 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। और पठान का जो हिंदी नेट कलेक्शन है वो लगभग 525 करोड़ रुपए के आसपास है। तो फिल्म को कुछ ही लाख की कमाई और करनी होगी जिसमें यह फिल्म पठान के हिंदी कलेक्शन को बीट कर देगी। तो दोस्तों ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि गदर 2 फिल्म पठान के फिल्म के हिंदी नेट कलेक्शन को बीट कर देगी। लेकिन यहां पर गदर 2 फिल्म ने जवान जैसी बड़ी फिल्म रिलीज होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से अपनी पकड़ बनाकर रखी है वो एकदम आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि फिल्म थोड़ा बहुत कलेक्शन कर रही है तो उससे इस फिल्म के कलेक्शन आगे बढ़ रहे हैं और ये फिल्म पठान के रिकॉर्ड को भी बीट करने वाली है। एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था, जिसमें सनी पाजी, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा दिखाई दिए थे। तो दोस्तों फिल्म की रिलीज के वक्त फिल्म को लेकर इतना ज्यादा क्रेज था कि जहां ये फिल्म रिलीज के 3 दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से हाउसफुल चली थी, पर फिल्म का क्रेज अपने 7वें हफ्ते में भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास था, लेकिन ये फिल्म अपने बजट से कई गुना ज्यादा कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो चुकी है। साथ ही फिल्म सनी पाजी के करियर की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन चुकी है। फिल्म के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म को रिलीज हुए 1.5 महीने से भी ज्यादा का टाइम यानी कि लगभग 48 दिन कंप्लीट हो चुके और फिल्म ने 48 दिनों में ऑल इंडिया से नेट कलेक्शन 524.36 करोड़ रुपए का कर लिया। अब दोस्तों गदर 2 फिल्म का ऑल इंडिया से नेट कलेक्शन 524.36 करोड़ रुपए हो चुका। अब सिर्फ और सिर्फ फिल्म को 70 लाख रुपए की कमाई और करनी होगी जिसमें यह फिल्म पठान के हिंदी रिकॉर्ड को बीट कर देगी। वहीं दोस्तों इस फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन लगभग 623 करोड़ रुपए। बात करें ओवरसीज के बारे में तो फिल्म का ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन लगभग 72 करोड़ रुपए का हुआ है। इसी के साथ गदर 2 फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन लगभग 695 करोड़ रुपए हो चुका है। दोस्तों यह फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा करके बॉक्स ऑफिस पर एक इतिहास रचने वाली है। वैसे आपने सनी पाजी की फिल्म गदर 2 देखी तो यह फिल्म आपको कैसी लगी, सुपर हिट या फिर सुपर फ्लॉप? और इसी के साथ सलमान भाई की फिल्म टाइगर 3 का आपको कितना ज्यादा इंतजार है? गदर 2 और जवान में से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? आपने कौन सी फिल्म देखी और आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई?